बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं थ्योरम शेयर करने जा रहा हूँ। नाइन्थ क्लास बेटा, ये सवाल नंबर 9 होता है। मसला सवाल नंबर 9 पेपर में लाजमी करना होता है। टोटल 3 सवाल आपने करने होते हैं, उसमें से पेपर में लिखा भी होता है कि 9 सवाल नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आप लोगों के 8 नंबर कटने ही कटने वाले हैं, जो मर्ज़ी हो जाए इन एनी सिचुएशन। ठीक है, 8 नंबर आपके कटेंगे ही कटेंगे। आपको स्क्रीन पर मसले दिख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के। पहले मैं बताता हूँ कि चैप्टर नंबर जो 16 उसके बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों के अंदर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, सो प्रूव डैट एनी पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अगर एक नुकता किसी कितने खत के मूदी नासिर पर वाकया हो तो वह नुकता कितने खत के सिरों से मसावी उल फासला होगा। ठीक है, ये पहला थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 का। इसके अलावा आप लोगों के साथ मैं डेफिनेशन भी शेयर करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीफे हैं बेटा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि तरीफे आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी हैं पेपर में आने वाली हैं। बिकॉज पेपर में तकरीबन 15 से 20 नंबर की तरीफे ही पूछी जाती हैं। सो अगर आप लोगों को तरीफे नहीं करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स जो हैं वैसे ही कम हो सकते हैं। ठीक है, सो पहला थ्योरम है जी। दूसरा है प्रूव डैट एनी, ये बेटा वो थ्योरम है जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, मैं आपको वीडियो का आखिर पर बताऊंगा कि कौन सा थ्योरम आपने जो है वो करने हैं चैप्टर 12 के या 16 के, कौन से इजी हैं और कौन से जो है वो याद रहते हैं ज़्यादा देर तक। सो प्रूव डैट एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट। अगर एक नुकता किसी किता खत के सिरों से मसाविल फासला हो तो इस किता खत के अमूदी नासिर पर होगा। अपनी बुक निकाल लें और साथ जो है वो आपने इनके निशान लगाने ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा जो है वो थ्योरम इस साल आने वाला है। प्रूव डैट राइट बाई सेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। किसी मुसलस के इजला के अमूदी नासिफ हम नुकता हैं। प्रूव डैट एनी पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर। प्रूव करें कि अगर के पॉइंट हम किसी के राइट बाई सेक्टर पर ले लेते हैं उसके बाजुओं से बराबर फासले पे हैं। किसी जाविये के नासफ पर हर एक नुक्ता इसके बाजुओं से मसावी और फासला होता है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 है 16, इसके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो बेटा आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी बेटा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है पहला काम। ठीक है, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को बेटा ऑल पे सेलेक्ट कर दें। देन आपने वीडियोज़ में जाना है तो वीडियोज़ में जैसे आप लोग जाएंगे देखें लॉन्ग क्वेश्चन की बकायदा वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है कि कौन से लॉन्ग सवाल आपने करने हैं और विच वन आपने छोड़ने कौन से हैं। ठीक है, तो आपने जो है इस वीडियो को बेटा यहाँ से लाइक कर देना, ये देखें लाइक का बटन आपको दिख जाएगा, इनसे लाइक कर दें ताकि आप वीडियो जो है जल्दी जल्दी बाकी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए। ठीक है, ये देखें लॉन्ग सवाल मैंने बता दिया कि इस एक्सरसाइज में से करने हैं और इन्हीं में से आएंगे आपके सारे सवाल। सो चैप्टर नंबर 16 पर चलते हैं जी। प्रूव डैट द पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर ऑफ सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। एक ही कायदा पर वाकया मतवाजी अजला अशकाल, जो कायदा खत और इसकी मतवाजी किसी खत के दरमियान वाकया हो या इनके इंतकाल के बराबर हो, रकबा में बराबर होंगी। प्रूव डैट पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेसिस हैविंग एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। बराबर कायदों पर वाकया और बराबर इर्तफा वाली मतवाजी अजला अशकाल रकबा में बराबर होंगी। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस ऑफ द सेम एल्टीट्यूड्स आर इन इक्वल एरिया। ठीक है, तो बेटा ये तीसरा थ्योरम है, तो बेटा आपने अपनी बुक निकाल लेनी है और साथ साथ जो है निशान लगाए, निशान लगा के जो इसको सोल्व करें। उसके बाद बेटा शेयर करते हैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो। ठीक है, ये देखिए चैप्टर नंबर 12 और 16 में से थ्योरम आएगा, 8 नंबर का आना है, आपने करना ही करना है, एक आपने करना है, दोनों नहीं करेंगे आप। और थ्योरम में आपने याद रखना है कि पिक्चर जो है वो लाजमी बना के आनी है। ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो डिफाइन रो मैट्रिक्स, डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स एंड गिव एग्जांपल। डिफाइन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज मीन बाय एडजॉइंट रो मैट्रिक्स। डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिफाइन रैशनल नंबर। डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफाइन लॉगरिथम। डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफाइन मोनोमोनियल मोनोनोमियल सेट। डिफाइन रिमाइंडर थ्योरम। डिफाइन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। डिफाइन स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एग्जांपल। कतारी कालम की वजाहत करें, डायगोनल मैट्रिक्स किसी की वजाहत करें और एक मिसाल दें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तारीफ करें
एक मिसाल के साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बजाय मैट्रिक्स के मुलाक़ा से मुराद हैं। एक मिसाल के साथ कम्प्लेक्स नंबर लॉगरिथम की तरीफ करें, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की तरीफ करें, अलजबरी इज़हार की वजाहत करें, मिसाल के साथ मोनोनोमियल सेट की तरीफ करें, मिसाल के साथ मोनोनोमियल सेट, ठीक है, ये सॉरी मेरे यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है वो गलत लिखा गया, यहाँ पे आपने अलजबरिक जुमला की तरीफ करनी थी, सॉरी, यहाँ पे अलजबरी इज़हार की अलजबरी जुमला की वजाहत करें, ठीक है, बाकी थ्योरम, ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम है जी आपका मसला है, बाकी थ्योरम कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम जोग्राफिकल की तरीफ करें, मैं इंग्लिश और उर्दू में आपको बता रहा हूँ। एक मिसाल के साथ अलजबरी इज़हार की मरबा जर की वजाहत करें, ठीक है, स्क्वायर रूट, रेडिकल मसावत, रेडिकल इक्वेशन, एक्सट्रेनियस रूट, खारजी रूट, मसावी मसा, इक्विवेलेंट इक्वेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू, मसावी मसावत, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन की, ऑर्डिनेट और अब्सिका की तरीफ करें, आइसोसेलस मसेलस की तरीफ करें, स्केलियम सेलस की मसाल की वजाहत करें, मतवाजिम सेलस की वजाहत करें, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की तरीफ करें, राइट एंगल ट्राइंगल की तरीफ करें, डिफाइन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने तरीफ करनी है, डिफाइन द स्क्वायर एंड ऑल्सो ड्रा इट्स फिगर, मरबा की वजाहत करें और इसकी शक्ल भी खींचें, डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, व्हाट इज कंग्रेंसी ट्राइंगल, कंग्रेंसी ट्राइंगल जो है कौन सी होती है, एस एस पार्चुलेट बयान करना है जी, पैरेललोग्राम की तरीफ करें, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, डिफाइन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल की मसलस की एल्टीट्यूड से क्या मुराद है, इसी तरह नेक्स्ट है डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज मीन बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम, किसी थ्योरम में कन्वर्स से क्या मुराद है, डिफाइन बाईसेक्शन ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, डिफाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल, डिफाइन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, डिफाइन ट्राइंगुलर एरिया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरिया एंड रीजन ऑफ ट्राइंगल, डिफाइन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज कंग्रेंट एरिया एक्सियम्स, डिफाइन मीडिया ऑफ ट्राइंगल, डिफाइन मीडिया ऑफ ट्राइंगल, डिफाइन सर्कम सेंटर, डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स विद एग्जाम्पल, डिफाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिफाइन ओरिजिन, डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, डिफाइन रेशियो, डिफाइन इन सेंटर, डिफाइन नल एंड जीरो मैट्रिक्स, डिफाइन बाइसेक्टर, डिफाइन कंग्रेंट ट्राइंगल, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेटा ये वो तरीफें हैं जो हर साल पेपर में आई हुई हैं, आप थोड़ा सा मर्जी पेपर उठा के देख लें, आपने कोशिश करनी है कि इन तरीफों को रट के जाएँ, रिवाइज करके जाएँ, बेशक पेपर देने से पहले को आधा घंटा घंटा पहले आपको टाइम मिल जाए, लेकिन आप ये करके लाजमी जानिए अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो, ठीक है। इनइक्वालिटीज ट्राइंगल की तरीफ करें, प्रोपोर्शन की तरीफ करें, सर्कम सेंटर की, एरिया ऑफ फिगर की तरीफ करें, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नादर और गैर नादर कॉलम, कॉमन लगार्थम और नेचुरल लगार्थम में फ़र्क, डिफाइन सर्ड विद एग्जाम्पल, डिफाइन सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की तरीफ करें। उसके बाद है डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर रीजन, डिफाइन एन ऑर्डर पेयर, डिफाइन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, डिफाइन मैट्रिक्स, डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो बेटा ये आप लोगों के लिए तरीफें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और थ्योरम आपके साथ शेयर कर दी हैं। इंशाल्लाह ताला जिस बच्चे ने इन चीज़ों को तैयार कर लिया वो बच्चा इंतहा के अच्छे मार्क्स ले लेगा। बेटा शर्त ये है कि आपने याद करने हैं। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियां दें बेटा। तो प्लीज़ यहाँ से आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बेटा लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके इस बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि बाकी पेपर्स की वीडियोज़ भी आप लोगों के तक फौरन पहुँच जाएँ। सो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल दी एंड खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।